हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सलमान खान द्वारा होस्ट किया गया शो बिग बॉस OTT2 को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड है। बता दें कि शो को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस शो में अविनाश सचदेव नजर आ रहे थे। मैं आपको बता दें कि अब हाल ही में अविनाश सचदेव बिग बॉस OTT2 के घर से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में बिग बॉस OTT2 के घर से बाहर आने के बाद अविनाश सचदेव जद हदीद को मिले हैं। मलाइका अरोड़ा को बांद्रा में किया गया है स्पॉट। बता दें कि हमेशा की तरह मलाइका अरोड़ा इस दौरान बेहद ही दमदार अंदाज में आई है नजर, और उन्होंने हॉट अंदाज में जमकर कैमरा के सामने एक से बढ़कर एक पोजेस दिए हैं। तो वही दोस्तों, बता दें कि बांद्रा में प्रतीक बब्बर को किया गया है स्पॉट। प्रतीक बब्बर इस दौरान बेहद ही कैजुअल अंदाज में आए हैं नजर, और उन्होंने पैपराजी को दिए हैं पोज। बिग बॉस सीजन OTT2 के सेट पर उर्फी जावेद को कर दिया गया है स्पॉट। जी हाँ दोस्तों, अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहने वाली उर्फी जावेद एक बार फिर से बेहद ही अतरंगी आउटफिट में बिग बॉस OTT2 के सेट पर स्पॉट की गई है। इस दौरान उन्होंने रिवीलिंग ड्रेस में जमकर पैपराजी को पोज दिया है। तो वही डांसिंग रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 3 के सेट पर अभिषेक बच्चन और जय भानुशाली को किया गया है स्पॉट। तो वही अभिषेक बच्चन बेहद ही कैजुअल अंदाज में नजर आए हैं, और उन्होंने जमकर पैपराजी को पोज भी दिया है। इसके अलावा दोस्तों, बता दें कि इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 3 के सेट पर सोनाली बेंद्रे को किया गया है स्पॉट। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे इस दौरान बेहद स्टाइलिश अंदाज में आई है नजर, और उन्होंने जमकर पैपराजी को दिए हैं पोज। इसके अलावा सयामी खेर को भी किया गया है स्पॉट, जहां पर उन्होंने बेहद ही शानदार अंदाज में जमकर पैपराजी को एक से बढ़कर एक पोजेस दिए हैं। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।